हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने लास्ट क्लास में एग्जाम सीरीज मिशन 2023 पर बात कर रहे थे, जहां पर मैंने आपको अपना उद्देश्य बता दिया था कि हमारे अभिप्सा टीम का क्या उद्देश्य रहने वाले हैं, और साथ ही साथ मैंने आपको लास्ट क्लास में अपने कक्षा दसवीं विषय गणित के ब्लू प्रिंट को भी अच्छे से समझा दिया था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में अपने स्ट्रेटजी पर बात करने वाले, अपने प्लानिंग पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, उससे पहले देख लीजिए हमारा मिशन क्या था। हमारा मिशन चल रहा था सीजी बोर्ड एग्जाम सीरीज मिशन 2023, जहां पर आज मैं बात करने वाला हूं कक्षा दसवीं विषय गणित के स्ट्रेटजी पर, प्लानिंग पर, हमारे सिलेबस पर बात करने वाला हूं कि हमारी रणनीति क्या रहेगी, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, हम किस रास्ते में चलेंगे, कैसे तैयारी करेंगे कि हमें पूरा में पूरा नंबर मिल जाए, कैसे हम लिखेंगे एग्जाम में कि पूरा में पूरा नंबर मिल जाए। इन सारी चीजों के बारे में आज हम एक एक कर बात करने वाले हैं। देखिए, तो देख लीजिए हमारा आज का टॉपिक रहने वाला स्ट्रेटजी, रणनीति, और वो भी कैसे 100 अंकों के लिए। कितने बच्चों? पूरे में पूरे 100 अंकों के लिए हम तैयारी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो 100 नंबर है ना, वो आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड रहते हैं? दो पार्ट में डिवाइड रहते हैं, एक 25 नंबर के लिए और एक 75 नंबर के लिए। जो 25 नंबर होते हैं वो आपके इंटरनल नंबर होते हैं, जहां पर आपके जो टीचर है आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में लिखते हो और स्कूल में जमा करते हो। 25 में कम से कम आपको 23 नंबर, 24 नंबर, या फिर अच्छे बच्चे रहे तो आपको 25 में 25 नंबर मिल जाता है। हमें उसकी तैयारी नहीं करना है, क्योंकि उसका जो नंबर है वो आपको टीचर देने वाले अच्छे खासे नंबर ही देते हैं, ठीक है। हमें जो तैयारी करना है ना, वो 75 नंबर के लिए। कितने? 75 नंबर के लिए। 75 में से 75 लाना हमारा मेन फोकस रहने वाला है। तो उसी के आज हम रणनीति बनाने वाले हैं, उसी के हम आज प्लानिंग करने वाले हैं कि हम कैसे कैसे तैयारी करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब कई बच्चे यहां पर क्वेश्चन करते हैं कि सर आप स्ट्रेटजी क्यों बता रहे हो, एग्जाम इतना पास आ गया है, आप सीधा सीधा क्वेश्चन कराइए ना करके। लेकिन बच्चों, आप फिर से गलती कर रहे हो। जब तक आप बिना प्लानिंग के उतरोगे मैदान में, बिना प्लानिंग के आप मैदान में उतरोगे ना, हमेशा आपको असफलता ही मिलने वाली है। जब आपको सफल होना है तो अच्छे प्लानिंग के साथ, अच्छे स्ट्रेटजी के साथ अपने मैदान में उतरना पड़ेगा, और आप हमेशा सफल ही होने वाले हो। बच्चों, आप लोगों ने राजा महाराजा के बारे में सुना होगा ना, कि राजा महाराजा जब युद्ध के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे तो डायरेक्टली वो मैदान में नहीं उतरते थे। पहले वो लोग प्लानिंग करते थे, अपनी स्ट्रेटजी बनाते थे कि हमारे कौन से सैनिक जो है वो कौन से दिशा से आक्रमण करेंगे, कितने सैनिक की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये सब चीजों की प्लानिंग होती थी, तब वो लोग मैदान में उतरते थे, युद्ध के लिए जाते थे, और हमेशा उनको सफलता ही मिलती थी। तो उसी प्रकार से बच्चों, जो आपका बोर्ड एग्जाम है कक्षा दसवीं का ना, वो एक युद्ध का मैदान है, और आपका जो पेन है, कॉपी है, वो आपका हथियार है, और आप एक योद्धा हो। आपके सामने आपके जैसे बहुत सारे योद्धा हैं, उन सभी योद्धाओं को आपको हराना पड़ेगा, और उन सभी योद्धाओं को हराकर आपको विजयी हासिल करना पड़ेगा, टॉप में आना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों, क्योंकि क्या है कि आप तो तैयारी कर रहे हैं, आपको आपसे आगे निकलने के लिए, आपसे आगे निकलने के लिए आप जैसे और कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको उन सबसे आगे बढ़ना है ना, तो आपको मेहनत के साथ साथ अपनी रणनीति भी बनानी पड़ेगी। अच्छी रणनीति बनाएंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे और उसके तहत हम काम करेंगे, तो बिल्कुल हमें सफलता मिलने वाली है। तो उसी स्ट्रेटजी के बारे में आज हम पूरा डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए। तो देखिए, यहां पर मैं बताऊंगा आज आपको इकाइयों के बारे में, 8 इकाइयों के बारे में, अपने पूरे प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, पूरे अपने संपूर्ण पाठ्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने 8 इकाई पढ़े थे, हमने केवल इकाई जाना था। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो आपको इकाई देते हैं कि इस पर्टिकुलर इकाई से इतने नंबर के लिए क्वेश्चन करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि किस अध्याय से 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, या फिर 6 नंबर के लिए क्वेश्चन करते हैं। ये पता चलता है जब 8 से 10 साल के क्वेश्चन को आप पढ़ते हो ना, पिछले 8 से 10 साल के क्वेश्चन को आप जो अच्छे से पढ़ोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको आइडिया मिलता है कि इस अध्याय से 1 नंबर के क्वेश्चन ही आते हैं, तो 1 नंबर के क्वेश्चन भी इस साल डेफिनेटली आने वाले हैं, क्योंकि सीजी बोर्ड अपना पैटर्न चेंज नहीं करने वाला है। जैसे वो क्वेश्चन करते हैं उसी के अनुसार ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बच्चों, मैंने 8 से 10 साल के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा, समझा, एनालिसिस किया है, और मैं यह नतीजे पर पहुंचा हूं कि किस अध्याय से कितना नंबर का क्वेश्चन करता है, यह मुझे अच्छे से पता चल चुका है। तो उसी को आज मैं आपको बताने वाला हूं। आ जाइए, देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ इकाई 1 यूनिट नंबर 1 लिखा गया है।
यहाँ पर छोटा सा आपको टेबल दिख रहा होगा, सारणी दिख रहा होगा, इसके बारे में हमने अपने ब्लूप्रिंट पर भी डिस्कशन किया हुआ था। तो संख्या क्रमांक लिखा गया है एक, मतलब कि हम बात करेंगे इकाई एक पर, और इकाई का नाम क्या है, बीजगणित, अलजेब्रा जिसे हम बोलते हैं। इकाई का हमारा क्या नाम है, बीजगणित। और इस बीजगणित आपको यूनिट से 20 नंबर के लिए क्वेश्चन करते हैं, 20 नंबर भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक अंक के लिए 4 क्वेश्चन, 2 अंक के लिए 2 क्वेश्चन, 3 अंक के लिए 2 क्वेश्चन, और एक बड़ा क्वेश्चन रहता है जो 6 अंक के लिए रहता है। तो इस तरह बात करूं तो व्याख्यात्मक जो प्रश्न है वो 5 होते हैं, और एक जो है वो वस्तुनिष्ठ, सॉरी 4 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, 4 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न और 5 जो है वो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक, अब हमें पता है कि बीजगणित जो है वो हमारा अध्याय नहीं है, वो क्या है, यूनिट है, इकाई है। अब उस यूनिट के अंतर्गत आपको 5 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे। कितने बच्चों, 5 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं। अब ये जो 20 नंबर है ना, उन 5ों चैप्टर में बटने वाले हैं। ये जो 20 नंबर है वो 5ों चैप्टर में बटने वाले हैं। कैसे कैसे बटेंगे, कैसे कैसे बटेंगे, अब हम इसको समझते हैं। आइए, तो यहां पर आपको अध्याय का नाम दिख जाएगा, अध्याय कितने हैं, 5 है। अध्याय कितने हैं, 5 है। फर्स्ट यूनिट में आपको अध्याय मिल जाएंगे 5। अब जो 20 नंबर है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थे। पहला नंबर हम देखें तो एक अंक के लिए आपको 4 क्वेश्चन आने वाले थे। तो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से अध्याय से आने वाला है, क्योंकि आपके पास 5 अध्याय है। कितने, 5 अध्याय है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ सबको पहले से ही लिख कर रख दिया। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखें तो अध्याय एक, अध्याय एक का नाम है बहुपद। बहुपद से हमेशा आपको हर साल एक अंक के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या फिर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए हो सकता है, या फिर सही जोड़ी मिलाइए हो सकता है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन हमेशा आपको बहुपद अध्याय से देखने के लिए मिलता है। और कौन से अध्याय से देखने के लिए मिलता है, चलिए बात करते हैं। अब हम बात करेंगे अध्याय दो पर। तो अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण, इसमें कभी भी छोटे क्वेश्चन नहीं किया जाता, हमेशा बड़े क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन किए जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर या फिर 4-5 ऐसे नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आते। हमेशा यहां से 6 नंबर का एक ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक बात बता दो बच्चों कि जो 4 अंक वाले, 5 अंक वाले और ये 6 अंक वाले होते हैं ना, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो अथवा में रहते हैं। यानी कि 4, 5, 6 अंक वाले क्वेश्चन में आपको 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ऊपर और नीचे, दोनों में से किसी एक को आपको बनाना रहता है। ठीक है बच्चों, ये हमें फायदा मिल जाता है। यानी कि 4, 5, 6 अंक वाले के लिए 2-2 प्रश्न मिलेंगे, दोनों में से किसी एक का जवाब हमें देना होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि एक अंक के क्वेश्चन और कौन से अध्याय से आते हैं। तो अध्याय 3 की अगर मैं बात करूं, एक चर का द्विघात समीकरण, इस अध्याय से भी हमेशा एक अंक का क्वेश्चन आपको हमेशा देखने के लिए मिलता ही है। डेफिनेटली बच्चों लिख कर रख लीजिए, इस साल भी आने वाला है अध्याय 3 से एक नंबर के लिए क्वेश्चन हमेशा आता है, इस साल भी आने वाला है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। अध्याय 4 से भी आपको एक नंबर के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, और अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात से भी आपको एक अंक का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 5 अध्याय में से, तो 4 अध्याय से ही आपको क्या आते हैं, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो दूसरा अध्याय है ना, इस दूसरे अध्याय से कभी भी आपको छोटे क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाएगा, हमेशा यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हमने एक नंबर वाले पर बात कर लिया। ठीक, अब हम आते हैं 2 नंबर वाले पर। तो 2 अंक के 2 क्वेश्चन आते हैं, अब कौन कौन से अध्याय से आएंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखें तो 2 अंक के जो क्वेश्चन है ना, 2 अंक और ये 3 अंक, दोनों को मैं एक साथ बताता हूं। ठीक है, 2 अंक और ये 3 अंक, तो 2 अंक वाले और 3 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो अध्याय 1 से आ सकते हैं। अगर 2 अंक का क्वेश्चन आएगा तो अध्याय 3 से 3 अंक का क्वेश्चन नहीं आएगा। यहां पर मैंने याद करके लिखा है, देख ले बच्चों, 2 अंक या फिर 3 अंक, अगर 2 अंक का आया तो इस अध्याय से 3 अंक का क्वेश्चन नहीं आते, अगर 3 अंक के क्वेश्चन आया इस अध्याय से तो 2 अंक के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो हम अध्याय 1 की तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्लास में, जब हमारा नेक्स्ट क्लास आने वाला है वहां पर मैं अपने अध्याय को स्टार्ट करने वाला हूं, सबसे पहले शुरू क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, एक नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, फिर सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे 2 अंक वाले प्रश्नों पर, और तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे
तीन अंक वाले प्रश्नों पर, और इस तरह से उस क्लास के उस अध्याय के आपको तीन क्लासेस मिलने वाली है, तीन पार्ट में मिलने वाले हैं क्लासेस, ठीक है। तो हम एक नंबर, दो नंबर और ये तीन नंबर, इस तरह से हम प्लानिंग करके चलेंगे कि इसके आपको तीन वीडियो मिलने वाले हैं, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करूंगा, पीवाई किस पर बात करूंगा, ठीक है बच्चों। और हम साथ ही साथ क्विक रिविजन भी करने वाले हैं, फटाफट रिविजन कर लेंगे, सवाल को बनाते बनाते ही रिविजन कर लेंगे, ठीक। चलिए अध्याय एक के बारे में पूरा बात कर लिया हमने, अध्याय दो को आते हैं। तो अध्याय दो है, दो चरों का रैखिक समीकरण मैंने बता दिया है कि इसमें छोटे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, आएंगे तो बड़े क्वेश्चन ही आएंगे, तो बड़े क्वेश्चन ही। तो हम क्या करेंगे, इसमें आपको बड़े क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कशन कराने वाला हूं। तो बड़े क्वेश्चन पांच से छह यहां से निकल कर आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पांच से छह क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, उतने को कर लेंगे तो आपका छह में से छह एकदम डन हो जाएगा, उससे बाहर कभी भी नहीं आएगा। चार से पांच क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं अच्छे से, जो कि छह नंबर के लायक होंगे, ठीक। चलिए तीसरे अध्याय पर आ जाइए। तो तीसरा अध्याय हमारा अध्याय तीन, एक चर का द्विघात समीकरण। एक चर के द्विघात समीकरण से एक अंक का क्वेश्चन तो हर साल आता है, और साथ ही साथ ना, और साथ ही साथ आपको यहां से दो अंक के क्वेश्चन या फिर तीन अंक के क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, दो अंक के आएंगे या फिर तीन अंक के आएंगे, हमेशा याद रखना, दो अंक के लिए आएंगे या फिर तीन अंक के लिए आएंगे, या फिर बहुत कम केस में, बहुत कम केस में ऐसा हुआ है कि इस अध्याय से आपको छह अंक के भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं कि छह नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं वो अथवा में आते हैं। तो एक यहां से तो डन हो गया, एकदम निश्चित हो गया कि अध्याय दो से छह नंबर के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जो अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा वो कहां कहां से आएगा, तो नीचे के जो आपको तीन अध्याय दिख रहे हैं ना, एक दो और तीन, इन तीनों अध्यायों से आने के चांसेस बनते हैं। सबसे कम जो चांस बनता है वो अध्याय तीन से बनता है, अध्याय तीन में बहुत कम चांस बनता है कि छह नंबर के लिए क्वेश्चन करें। तो इसकी प्लानिंग हम कैसे करेंगे, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक नंबर वाले क्वेश्चन पर, फिर हम बात करेंगे दो अंक वाले क्वेश्चन पर, और फिर हम बात करेंगे तीन अंक वाले क्वेश्चन पर, ठीक है बच्चों। हमें छह अंकों वाले क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करने वाले, बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल भी हम नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहां से छह नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं तो हम कम में बम पढ़ेंगे, कम में ऐसे तैयारी करेंगे, कम में मैं आपको बहुत ज्यादा तैयारी कर दूंगा, उतने को ही आप पढ़ेंगे और आपके 75 में से 75 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहां से आ भी गए, अगर इस अध्याय से आ भी गए तो हमने इसकी तैयारी तो कर ली है ना, हमने अध्याय दो में छह नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी कर ली है, तो यहां से या फिर यहां से हम इसको बनाएंगे, क्योंकि इसकी तैयारी हमने की है, ठीक है, ऐसी हमारी प्लानिंग होगी। अब हम बात करते हैं अध्याय चार के बारे में। तो अध्याय चार का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। अब अध्याय चार से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आ जाइए देखिए। तो अध्याय चार से एकदम डन जो रहता है वो एक अंक का क्वेश्चन और दो अंक का क्वेश्चन, एक अंक के क्वेश्चन और दो अंक के क्वेश्चन एकदम डन है, आप लिख के ले लो, हमेशा आते ही है, इस साल भी आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो दो नंबर के लिए बहुत छोटा सा रहेगा, जो चार से पांच लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अब जो छह अंक यहां पर मैंने लिखा हुआ, तो जो अंक है ना वो अगर इस अध्याय से नहीं आया, अध्याय तीन से नहीं आया, तो अध्याय जो है वो आपके चार से आएंगे। तो इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, तो आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगा एक अंक वाले क्वेश्चन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे दो नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में, और कुछ कुछ तैयारी करेंगे हम छह अंक वाले क्वेश्चन पर। छह अंक वाले क्वेश्चन पर हम कुछ कुछ क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, तीन से चार क्वेश्चन के बारे में ही बताने वाला हूं, ज्यादा आपको मैं इसमें डिटेल नहीं पढ़ाने वाला हूं। डिटेलिंग जो पढ़ेंगे, एकदम डिटेलिंग पढ़ेंगे छह नंबर वाले के लिए, तो वो होगा हमारा अध्याय दो होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय पांच। अध्याय पांच का नाम क्या है, अनुपात एवं समानुपात। अब अनुपात एवं समानुपात से कैसे क्वेश्चन आते हैं, देखिए तो अनुपात और समानुपात से एक अंक के लिए क्वेश्चन तो हमेशा पूछते ही है, दो अंक के जो क्वेश्चन है ये भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, और छह नंबर के क्वेश्चन भी हमेशा आपको यहां से देखने के लिए मिलता है। तो ये यहां से क्वेश्चन आपके लिए देखने मिल जाएंगे छह अंक वाले, और आपको जो अध्याय पांच है यहां से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर यहां से नहीं पूछे, अगर यहां से क्वेश्चन नहीं किया गया छह नंबर वाले, तो आपको अध्याय तीन या फिर अध्याय चार से देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हम बड़े क्वेश्चन की तैयारी कौन कौन से अध्याय में करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे अध्याय दो में बड़े क्वेश्चन के बारे में, और अच्छे से तैयारी करेंगे अध्याय पांच में बड़े क्वेश्चन के बारे में। अध्याय तीन और अध्याय चार को हम छोड़ देंगे, और अध्याय एक से तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही करते हैं। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग होने वाली है, हमें
इसी वे में जाना, इसी तैयारी करना है। हम एक एक करके बात करेंगे, एक नंबर वाले पर, दो नंबर वाले पर, फिर छह नंबर वाला है। जैसे क्वेश्चन करते हैं आपके जो एग्जाम है उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये इकाई एक जो है आपको समझ में आ गया होगा। इकाई एक सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन और यहीं से आता है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो हम 20 में 20 नंबर लेने वाले हैं, डेफिनेटली लेकर ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने यूनिट नंबर 2 पर, इकाई 2 पर, ठीक है। चलिए तो संख्या क्रमांक लिखा हुआ 2, मतलब कि इकाई 2 के बारे में बात करेंगे। इकाई 2 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति से देखिए कि 8 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं। अब 8 नंबर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक अंक के दो क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि दो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, दो अंक का आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और चार अंकों के लिए आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से बात करूं तो दो व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे और दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। अब इस अध्याय से, इस यूनिट से, कौन सा यूनिट है हमारा, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको दो चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं, कितने, दो चैप्टर, ठीक है। तो अध्याय 6, अध्याय 5 तक हमने बात कर लिया था फर्स्ट यूनिट में, अध्याय 5 तक हमारा फर्स्ट यूनिट में आ गया। अध्याय जो 6 है वो दूसरे यूनिट में आता है, और अध्याय 7 भी दूसरे यूनिट में आता है। अब दो हमारे पास अध्याय है, दो अध्याय में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे चलिए मैं आपको बताता हूं, आ जाइए। तो हमेशा आपको देखिए अध्याय 6 से निर्देशांक ज्यामिति जिसका नाम है, वहां से हमेशा आपको जो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ना, वो कैसे मिलेंगे, एक अंक, दो अंक, और ये, हाँ सॉरी, यहां पर देखिए इसको अच्छे से समझे, एक अंक के आपको यहां से दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं बच्चों। कितने, एक अंक के दो क्वेश्चन, यानी कि दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो हम तैयारी करने वाले ना वो इसी की तैयारी करेंगे, एक एक अंक वाले, क्योंकि क्योंकि हर साल पूछे जा रहा है, और एक छोटा क्वेश्चन रहेगा जो दो नंबर के लिए रहने वाले हैं। तो इसमें हम एकदम बड़े क्वेश्चन की तैयारी करने वाले नहीं है, वैसे इस अध्याय में बड़े क्वेश्चन तो है भी नहीं, इस अध्याय में बड़े क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे भी नहीं, ठीक है, सब छोटे छोटे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक एक नंबर वाले पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे दो नंबर वाले क्वेश्चन पर, तीन नंबर चार नंबर वाले ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं अध्याय से। फिर यहां पर बोला गया था कि चार नंबर के भी एक क्वेश्चन आते हैं, और वो चार नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं वो अथवा में रहते हैं, यानी कि आपको चार नंबर के दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, दोनों में से किसी एक को बनाना है। तो अध्याय 7 से ही आपको देखने के लिए मिलेंगे चार अंक वाले क्वेश्चन, अध्याय 6 से कभी भी चार अंक वाले क्वेश्चन नहीं मिलते। हाँ, एक आठ साल आ भी गया, एकदम रेयर केस में बहुत कम चांसेस रहते हैं, 0.1% चांस ही रहता है कि चार नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको अध्याय 7 में ही देखने के लिए मिलता है कि चार अंक के क्वेश्चन यहां से आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दो क्वेश्चन यहां से चार चार अंक वाले मिलेंगे, उसमें से केवल एक का ही आंसर आपको देखना है, लिखना है। मैं आपको बार बार बता देता हूं, दोनों का आंसर आपको नहीं देना है, तो एक ही क्वेश्चन को आपको आंसर देना रहेगा। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग होने वाली है। तो अध्याय 7 जो आलेख है ना, इसमें हम छोटे क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, जब भी बात करेंगे तो वो बड़े क्वेश्चन पर ही बात करेंगे। वैसे अध्याय 7 जो आलेख है ना, ग्राफ जो है उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन ही दिए गए हैं, छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते भी नहीं है। हाँ, बनाएंगे तो बन भी सकते हैं, लेकिन हम उसकी तैयारी हरगिज नहीं करने वाले। भाई जब आएंगे नहीं तो तैयारी क्यों करेंगे, बताओ ना, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। जिस अध्याय से जैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, फालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास समय वैसे भी कम है, ठीक है। चलिए तो अध्याय 2 पर भी हमने बात कर लिया, ठीक। अब हम आते हैं अपने यूनिट नंबर 3 पर, और यूनिट नंबर 3 जो है, अगर मैं बात करूं सरलता के बारे में तो इतना ज्यादा सरल है ना, बहुत ज्यादा सरल होने वाला है यह अध्याय जो है, ये जो यूनिट है ना बहुत ज्यादा सरल है भाई, ठीक है। पता नहीं ये बच्चों को क्यों कठिन लगता है, क्योंकि ये बैंकिंग वाला है, बैंकिंग वाला तो सबसे इजी रहता है, बैंकिंग वाले को पढ़ने में इसलिए मजा आता है क्योंकि ये हमारे अध्याय में तो है ही है, लेकिन हमारे ये डे टू डे लाइफ से भी जुड़ी हुई है, इसलिए बहुत मजा आता है इस अध्याय को पढ़ने में। आ जाइए अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। देखिए तो संख्या क्रमांक 3 लिखा गया है, यानी कि यूनिट 3 है, इकाई का नाम है वाणिज्य गणित कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक अंक के दो क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, दो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन मिलेंगे, और एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा जो एक अंक के लिए रहेगा। तो इस तरह से बात करूं तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन एक रहेंगे और दो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस जो यूनिट है ना, अध्याय
यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 में केवल और केवल एक ही अध्याय आपको देखने के लिए मिलता है और उस अध्याय का नाम क्या है, अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान। और यहां से आपको कैसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो एक एक अंक के दो क्वेश्चन मिलेंगे और एक जो क्वेश्चन रहेगा 5 अंक के लिए। तो हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, एक एक अंक पर पहले बात करेंगे फिर हम सीधे सीधे बात करेंगे 5 अंक वाले पर, ठीक है। तो इस तरह से बात करूंगा ना, तो यहां से तीन टॉपिक, एक तो सावधि खाता वाला, एक तो होता आवर्ती खाता वाला और एक हमारा होता है आयकर की गणना करने वाला। तीन टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं, यहां से तीनों टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लिए तो आपको 7 में से 7 मिलने वाला है। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग होने वाली है इकाई 3 के बारे में। आ जाइए बिना टाइम वेस्ट किए हम इकाई 4 पर आते हैं। देख लीजिए, तो इकाई 4 का नाम है त्रिकोणमिति, जहां से आपको 10 नंबर के लिए क्वेश्चन किया जाता है। एक अंक के दो आपको क्वेश्चन करेंगे, दो अंक के आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे और 6 अंक के आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। अभी कैसे कैसे बटे हैं, तो यूनिट 4 में आपके दो चैप्टर है, चैप्टर जो 9 है वो है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्व समीकरण। इस अध्याय से आपको हमेशा जो क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिलेंगे, देखो तो एक एक अंक के दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। एक एक अंक के दो क्वेश्चन, यानी कि दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और एक छोटा क्वेश्चन रहेगा जो 3 से 4 लाने बन जाएगा, जो कि 2 नंबर के लिए रहेंगे, और एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा जो 6 अंक के लिए रहेंगे। कितने बच्चों, 6 अंक के लिए रहेंगे। अब यहां से 6 अंक के लिए आया तो अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी से भी एक क्वेश्चन मिलेंगे आपको 6 नंबर के लिए। भाई 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे वो अथवा में रहेंगे, तो आपको दो क्वेश्चन देंगे, दोनों में से किसी एक को बनाएंगे। तो अध्याय 9 से भी 6 अंक के क्वेश्चन मिलेंगे और अध्याय 10 से भी डेफिनेटली आपको 6 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो अगर मैं अध्याय 10 में आऊंगा ना, तो अध्याय 10 में आने के बाद मैं छोटे क्वेश्चन पर तो बात करने वाला नहीं हूं, सीधा हम डायरेक्टली बात करेंगे अपने बड़े बड़े क्वेश्चन पर। तो इस तरह से हमारी यह प्लानिंग होने वाली है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं, ठीक है। यूनिट नंबर पांच पर हम बात करने वाले हैं। देखिए, यूनिट नंबर 5 का नाम है ज्यामिति, जहां से आपको 12 नंबर के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, एक अंक के लिए 3 प्रश्न, 3 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 4 अंक के लिए एक क्वेश्चन रहेगा, 5 अंक के लिए भी एक क्वेश्चन रहेंगे। अब 4 और 5 अंक वाले अथवा में रहते हैं, तो 5 अंक वाला एकदम फिक्स रहता है। 5 अंक वाला बच्चों एकदम फिक्स रहता है कि आपको अध्याय 13 से ही देखने के लिए मिलेंगे ज्यामिति रचना, जहां पर आपको रचना करने के लिए कहा जाता है और रचना के पद लिखने के लिए कहा जाता है। हमेशा यहां से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा सकते हैं, तो देख लीजिए, तो एक अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके अध्याय 11 से आएंगे, डेफिनेटली 100% यहां से आएंगे, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके अध्याय 12 से आएंगे। अब एक अंक और कहां से पूछेंगे, तो एक अंक यहां से पूछ सकते हैं अध्याय 11 से या फिर अध्याय 12 से पूछ सकते हैं, इसमें मैं एकदम श्योर नहीं हूं कि कहां से पूछेंगे। तो अध्याय 1 से, अध्याय 11 से भी पूछ सकते हैं या फिर अध्याय 12 से भी एक अंक के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। लेकिन एक अंक के क्वेश्चन यहां से भी आएंगे, एक अंक के क्वेश्चन यहां से भी आएंगे। अध्याय 13 से बिल्कुल भी छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बड़े क्वेश्चन ही आते हैं। अब बारी आती है 4 अंक वाले और 5 अंक वाले, तो 5 अंक वाले यहां से आएंगे तो हमें पता चल चुका। 4 अंक वाले कहां कहां से आ सकते हैं, तो 4 अंक वाले यहां से आ सकते हैं या फिर 5 अंक वाले यहां से आएंगे। 4 अंक वाले आएंगे तो 5 अंक वाले इस अध्याय से नहीं आएंगे। अगर यहां से 4 अंक वाला आया तो यहां पर 5 अंक वाला आएगा, अगर यहां से 4 अंक वाला आया तो यहां से 5 अंक वाला आएगा, और यहां से 5 अंक के आ गए तो यहां से आपको 4 अंक के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग होने वाली है, एक अंक के लिए पहले पढ़ेंगे फिर 4 अंकों के लिए फिर 5 अंकों के लिए, इस तरह से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। आ जाइए पढ़िए, अध्याय है या इकाई है ना, इकाई 6 का नाम क्या है, यूनिट नंबर 6 गणितीय कथनों की जांच। गणितीय कथनों की जांच से 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं, एक जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 नंबर के लिए रहेगा। तो इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, तो हमको पता है कि एक नंबर के लिए एक ही क्वेश्चन आएंगे, तो वो खाली स्थान हो सकता है या फिर सही जोड़ी हो सकता है या फिर सही विकल्प चुनकर लिखिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 अंकों के लिए रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको इसके केवल 2 पार्ट मिलने वाले हैं, 2 से या फिर 3 पार्ट मिल जाएंगे। पहले हम एक नंबर पर बात करेंगे फिर हम 3 नंबर वाले क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 7 पर, तो यूनिट नंबर 7 जो कि है क्षेत्रमिति या फिर मेंसुरेशन जिसे हम बोलते हैं, 8 नंबर के लिए यहां से क्वेश्चन आते हैं,
तो एक अंक के आपको केवल एक ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तीन अंक के लिए आपको एक क्वेश्चन मिलेंगे और चार अंक के लिए आपको दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन लिखना एक ही है क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देख लीजिए, एक क्वेश्चन रहेंगे चार नंबर के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले बात करेंगे एक नंबर वाले क्वेश्चन पर, फिर हम बात करेंगे तीन नंबर वाले क्वेश्चन पर, फिर हम बात करेंगे चार नंबर वाले क्वेश्चन पर। और ये जो अध्याय है ये थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि इसमें घन, घनाभ, शंकु ये सारी चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। इसके आपको चार से पांच क्लासेस मिल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर आठ पर। तो यूनिट नंबर आठ हमारा क्या, देख लीजिए, तो यूनिट नंबर आठ है हमारा सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपको छह नंबर के लिए क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अब इस अध्याय से आपको कभी भी छोटे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी नहीं आएंगे। इसमें आते कैसे क्वेश्चन है, तो दो अंक के लिए एक क्वेश्चन और चार अंक के लिए एक क्वेश्चन, तो कुल प्रश्न जो आते हैं व्याख्यात्मक रूप में दो होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस अध्याय से नहीं आते हैं। और इस अध्याय बोल दो या फिर यूनिट बोल दो, क्योंकि इस अध्याय में केवल एक ही चैप्टर है, अध्याय 16 आंकड़ों का विश्लेषण। बोनस नंबर, मैं अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूं ना तो इस अध्याय को बोनस नंबर कहता हूं, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं रखा है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, एक दो फॉर्मूले है और पूरे में पूरे नंबर आप ले सकते हो, पूरे छह में छह नंबर यहां से ले सकते हो। बहुत ईजी होता है, सबसे जो सरल होता है ना पूरे पूरे आपके सिलेबस में, तो यही अध्याय 16 बहुत ही ज्यादा सरल होने वाला है। तो इस तरह से हमारी प्लानिंग होने वाली है पूरे 75 नंबर के लिए, और क्वेश्चन कितने रहेंगे, 18 रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्लानिंग के बारे में अच्छे से समझा दिया है कि कैसे कैसे हम पढ़ने वाले हैं। अपने अध्याय एक से मैं शुरुआत करने वाला हूं, नेक्स्ट क्लास में हम अपने अध्याय एक पर आएंगे। सबसे पहले बात करूंगा एक नंबर वाले क्वेश्चन पर, फिर हम दो नंबर वाले क्वेश्चन, फिर हम तीन नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। हम एकदम क्रम से पढ़ेंगे, पता है, अध्याय एक के बाद अध्याय दो, अध्याय तीन, इस तरह से चलेंगे, क्योंकि एक जो अध्याय है वो दूसरे अध्याय से संबंधित होता है, तो हम सभी अध्याय को कोरिलेटेड करते हुए, एक दूसरे को जोड़ते हुए पढ़ने वाले हैं। तो हम अध्याय एक से स्टार्ट करेंगे, जहां पर मैं पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्विक रिवीजन भी कराने वाला हूं, ठीक है बच्चों। एक बात और बता दूं कि हम एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, एकदम डीपली नहीं पढ़ेंगे, एकदम बेसिक में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक में अगर पढ़ाने लग जाऊंगा तो ये जो आपकी क्लासेस है, सेशन है ना, वो एक महीने में खत्म नहीं होने वाला, छह महीने लग जाएंगे। इसलिए बच्चों हम एकदम डीपली नहीं पढ़ने वाले, एकदम बेसिक में नहीं जाएंगे। मैं आपको आपको एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आऊंगा, एग्जाम की तैयारी करेंगे। एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो ये हमारी प्लानिंग होने वाली है, स्ट्रेटेजी होने वाली है। देख लीजिए आगे क्या है, हाँ, आगे हमारे पूरे फैकल्टी मेंबर दिए गए हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले क्लास में ब्लूप्रिंट में समझा दिया था कि हमारे कौन से फैकल्टी जो है वो कौन कौन से आपके कक्षा को, कौन से सब्जेक्ट को देखने वाले हैं, सारा चीज मैंने आपको ब्लूप्रिंट में समझा दिया है, ठीक है बच्चों। अगर कई बच्चों को लगता है कि सर मेरा बेसिक एकदम कमजोर है, मुझे और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है अभिप्सा नाम से, उसको आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कीजिए। वहां से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक के सारे जो आपके अध्याय होते हैं, सारे जो सब्जेक्ट है, हमने उसको पढ़ा रखा है, उसको आपको लेक्चर रिकॉर्डेड करके मिल जाएंगे। हमने हर एक चीज एकदम खूबसूरत अंदाज में सजाकर टॉपिक वाइज पढ़ाया हुआ है। साथ ही साथ वहां पर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स भी मिल जाते हैं, माइंड मैप मिल जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न मिल जाते हैं और व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिल जाते हैं। तो बहुत सारे हमारे फायदे हैं, उन फायदों को आप जाकर लाभ उठा सकते हो हमारे अभिप्सा ऐप में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी आज की इस क्लास को मैं खत्म करना चाहूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने अध्याय एक पर। तो बच्चों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जब मैं अध्याय एक स्टार्ट करूंगा ना, तो आपके पास पेन और कॉपी, भाई पेन और कॉपी ये किसी एक योद्धा का हथियार होना चाहिए। और आप क्या हो, स्टूडेंट नहीं हो, आप एक योद्धा हो, आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, तो आपके पास पेन और कॉपी आपका जो हथियार है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो जो जो मैं पढ़ाते जाऊंगा उसको भी आपको पढ़ते चलना है और नोट डाउन करते चलना है, एकदम प्रॉपर कॉपी बनाते हुए चलना है, अच्छे से लिखते हुए चलना है, क्योंकि योद्धा की पहचान होती है उसका हथियार। तो आप स्टूडेंट की पहचान क्या है, कॉपी और पेन। तो मैं जब अपने क्लास स्टार्ट करूंगा अध्याय एक, उस टाइम आपको हमेशा अपने पास पेन और कॉपी रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने स्ट्रेटजी पर बात कर लिए, अध्याय एक पर बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।